कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां कुछ ही घंटों में चोरी की आरोपियों को चोरी के सामान के सहित धर दबोचा है। आपको बता दें कि शिरीष नायर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोरों द्वारा सुने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें नकदी व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा अपराध कायम कर मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरे मामले में प्रार्थी प्रदीप कुमार घोष के घर में भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं कुछ ही घंटों में तलाशी के दौरान जानकारी मिली कि ऋषभ तिवारी उर्फ सोनती, पीयूष जसूजा, सुलभ तिवारी व एक नाबालिग से पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकारा है। वहीं आरोपी से चोरी का सामान जब्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर, किस तरह की घटना हुई थी और पुलिस को किस तरह सफलता मिली बताएंगे? कल लगभग 1 बजे दोपहर में आमा खेरवा निवासी शिरीष नायर ने एक अपराध पंजीकृत कराया था कि उनके घर में अज्ञात चोर घुस करके रात में नकबजनी कर लिए हैं, और उसी सिलसिले में पुलिस को मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई और लगभग 2 घंटे के अंदर जो आरोपी थे उनको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया, और उनका नाम ऋषभ तिवारी सोनटू, पीयूष जसूजा उर्फ पीची और शोभन तिवारी, साथ में एक अपचारी बालक, 4 लोग हैं पुलिस में। उसी तारतम्य में आज जब कार्रवाई हो रही थी उसी दौरान प्रदीप कुमार घोष नाम के प्रार्थी ने भी एक ऑफेंस रजिस्टर्ड करवाया था कि उनके घर में दीपावली की छुट्टी मनाने जब वो कलकत्ता गए थे उस दौरान उनके यहाँ भी चोरी हो गई थी। उस चोरी को भी कबूल किया है इन आरोपियों ने और दोनों प्रकरणों में चोरी गए मशीन का लगभग 80,000 रुपये की आज जब्ती की गई और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।